फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हम 100 डेज 100 केसेस कर रहे हैं, उसके तहत आज 19th डे है। आज हम एक बच्चे का केस करेंगे। बहुत दिनों से बच्चे का केस नहीं किया, तो ये एक छोटा बच्चा है, अबाउट 6 ईयर्स का मेल चाइल्ड है। अक्सर बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो उनकी चेस्ट इन्वॉल्व हुई रहती है, या उनको जुकाम हो जाता है, या पेट दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, फीवर होता है, तो ये भी इसी तरह का केस है। इसमें बच्चे को एलर्जिक राइनाइटिस है, बहुत ज़्यादा छींके आनी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन इन नोज, इन आई, साथ में चेस्ट इन्वॉल्व हो जानी, और उसके साथ वीजिंग स्टार्ट हो जानी, और इनहेलर्स की ज़रूरत पड़ जानी, हॉस्पिटलाइज होना, बार बार हॉस्पिटलाइज होना। तो ये तकरीबन इसको साल दो साल से ऐसे ही चल रहा था, हर महीने में एक बार तो हॉस्पिटलाइज होता ही था। तो ये मेरे पास आए बहुत डरे हुए, बहुत घबराए हुए कि बच्चे के इनहेलर चल रहे हैं, उसको पंप देते हैं और अंग्रेजी दवाइयाँ चलती हैं और ठीक ही नहीं होता। हर 15 दिन महीने के बाद फिर से हॉस्पिटल, फिर से डॉक्टर के पास, वो ही सब कुछ साल दो साल से चली ही जा रहा है। क्योंकि इसका IgE लेवल बहुत हाई है, एलर्जी लेवल हाई है, इसलिए डॉक्टर इसको एडमिट कर लेते हैं और इनहेलर स्टार्ट कर देते हैं। हम चाहते नहीं हैं कि हम इनहेलर दें, लेकिन फिर भी देना पड़ता है, क्या करें, क्योंकि वीजिंग बहुत होती है चेस्ट में। तो जैसे हम पूछते हैं बच्चे के स्वभाव के बारे में, क्योंकि ये 6 ईयर्स का छोटा बच्चा है, तो इसके मदर ने जो भी बताया इसके मदर ने बताया। कहते कि कहना को ना तो ये कुछ नहीं मानता। वैसे आजकल सारे बच्चों का यही हाल है, बहुत कम बच्चे हैं जो कहना मानते हैं। कहना तो बिल्कुल नहीं मानता, जिद कोई इतनी ज़्यादा नहीं करता, मान मुन जाता है, लेकिन डरता बहुत है, हर चीज़ से डरता है, अंधेरे से डरता है, अकेले रहने से डरता है, हॉस्पिटल जाना होता है, इंजेक्शन्स लगने हैं, ड्रिप लगनी है, उससे डरता है। बाहर कोई आ जाता है, कोई बेल होती है, बाहर हम देखने जाते हैं, कोई स्ट्रेंजर होता है, कोई जिसको हम नहीं जानते, तो ये डर जाता है, हर एक चीज़ से डरता है। और बिल्कुल भी इसमें कॉन्फिडेंस की नाम की चीज़ नहीं है कि बाहर जाके किसी से बात कर ले। अदरवाइज शरारती बहुत है, सारा दिन पढ़ने को मत बोलो, बस खेलता ही रहे, अपनी बुक्स कॉपीज बिल्कुल नहीं संभालता, बिल्कुल भी टिक के नहीं बैठता, और तोड़ फोड़ सारा दिन, कोई मर्जी टॉय लेके दे दो, इसने तोड़ना ही है। और एक जो बहुत सुंदर सी बात बताई, कहते सारा दिन अपने बालों को ऐसे ऐसे संवारता रहेगा कि मैं सुंदर लग रहा हूँ ना, सुंदर लग रहा हूँ ना, कपड़े पहनेगा तो बालों को संवारेगा इस तरह से कि मैं सुंदर दिखूँ। सो दिस इज द केस। इस केस में रूब्रिक्स बनाइए और फिर हम मेडिसिन तक पहुंचेंगे। सो जो भी डॉक्टर्स इसको एनालाइज करने चाहते हैं, वो यहाँ वीडियो स्टॉप करके एनालाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस केस के एनालिसिस की। बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि जिस बच्चे को हर 15 दिन के बाद, महीने के बाद वही दवाइयाँ, मॉन्टेरेलसी और पता नहीं क्या क्या इनहेलर्स, तो पेरेंट्स तो परेशान होंगे ही नहीं। और बात असली ये थी कि वो ठीक ही नहीं होता था। अभी ठीक हुआ 10 दिन के बाद, फिर अगला उसका एपिसोड, 10-15 दिन के बाद फिर अगला एपिसोड, तो वो इस बात से परेशान थे। बिल्कुल सीधी बातें, सिंपल बातें, होम्योपैथी है भी बहुत सिंपल, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने वाली कोई बात भी नहीं है। सबसे पहले कहना नहीं मानना, बिल्कुल कहना नहीं मानता, डिसोबीडियंस। डरता किस किस चीज़ से डरता है, अंधेरे से डरता है, अकेले रहने से डरता है, बाहर कोई आ जाता है तो उससे डरता है, हॉस्पिटल जाने से डरता है कि मेरे इंजेक्शन्स लगेंगे, ड्रिप लगेगी। सो फियर डार्क, फियर इंजर्ड, फियर अलोन और फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, ये रूब्रिक हम बहुत कम लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे कहीं आएगा वहीं यूज़ करेंगे। स्ट्रेंजर्स से, अजनबियों से, जिनको ये जानता नहीं है, कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है इसमें, किसे बात नहीं कर सकता,
कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ, शरारती बात है, मिसचीवस और तोड़फोड़, डिस्ट्रक्टिवनेस। और एक इन्होंने और बताया था कि सारा दिन छलांगे लगाता रहता है, बेड पे चढ़ जाता है, बेड पे छलांग लगानी, नीचे उतर जाना, ऊपर चढ़ना, नीचे उतर जाना। सो ये भी हमने लिए जंपिंग बेड आउट ऑफ। और जो लास्ट रूब्रिक मैंने लिए वो जो हर वक्त अपने बालों को संवारना, बालों को ऐसे ऐसे स्टाइल बनाना, सुंदर लग रहा हूँ ना, अच्छा दिख रहा हूँ ना, हमेशा यही कि मैं सुंदर दिखूँ। सो एक रूब्रिक है डिल्यूजन ब्यूटीफुल, शी इज एंड वॉन्ट्स टू बी ब्यूटीफुल। वैसे तो मैं मोस्टली लड़कियों में ये रूब्रिक लेती हूँ और बहुत बार मैंने इस्तेमाल किया है। सो जब ये सारे के सारे रूब्रिक्स डाले तो देयर वाज ओनली वन मेडिसिन, दैट वाज सेट्रामोनियम। सेट्रामोनियम में डर बहुत ज्यादा है, अकेले रहने से, टीके से, इंजेक्शन से, ड्रिप से, और शरारती बहुत होते हैं, तोड़ फोड़, टिक नहीं सकते। तो इसको सेट्रामोनियम 30 की एक डोज दी विद दिस सैकलैक। तो 15 दिन के बाद जब आए तो इन्होंने बोला कि हमें इनहेलर बीच में देना पड़ा। मैं हमेशा इन केसेस को मैनेज करने के लिए एक दो आपको तरीके बताती हूँ। पहली बात तो ये कि जब भी हम एलोपैथी से इन बच्चों को होम्योपैथी में शिफ्ट करते हैं तो एकदम ये मत सोचो कि बस दवाई दी और बच्चा ठीक। बच्चों को बहुत बार एलोपैथी साथ के साथ देनी पड़ती है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि बच्चे को बहुत प्रॉब्लम है तो आपने इनहेलर देना है, या जो भी आपके पास कोई इमरजेंसी मेडिसिन है आपने वो देनी है। ये नहीं सोचना कि अब हम होम्योपैथी ले रहे हैं और अब हम एलोपैथी नहीं देंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस तरह से नहीं देखती। मुझे लगता है कि जब कंट्रोल में कंडीशन आ जाए फिर हम कह सकते हैं कि अब एलोपैथी लेने की जरूरत नहीं है, अब आप होम्योपैथी पर ही रखिए बच्चे को। सो जब पहली बार आए उसके बाद फॉलोअप के लिए तो उन्होंने बोला कि हमें एक बार इसको बच्चे को इनहेलर देना पड़ा। फिर मैंने सेट्रामोनियम 200 की एक डोज दी। जब नेक्स्ट टाइम आए फिर इन्होंने बोला कि पहले से काफी ठीक रहा और कोई इनहेलर नहीं दिया, कोई चेस्ट में कोई इन्फेक्शन नहीं है, बिल्कुल परहेज भी करता है और 15 दिन बिल्कुल 100% ठीक रहा, कोई एलर्जी नहीं हुई। तो इनको सेटलैक कंटिन्यू दी। उसके बाद फिर से अगले 15 दिन के बाद उन्होंने बोला कि थोड़ा सा जुकाम हुआ है और एक दो बार खांसी हुई है। उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ, कि इतना डरे हुए थे। मैंने उनसे बड़ी मुश्किल से एलोपैथी छुड़वाई, तो उन्होंने थोड़ा सा भी बच्चे को होता था इनहेलर, तो उन्होंने इस बार भी इनहेलर दिया, 2-3 times दिया, क्योंकि बच्चे को छींके लगती थी। मैंने कहा छींके लगने पे बच्चे को इनहेलर नहीं दे सकते अगर उसमें चेस्ट में वीजिंग है, क्योंकि इनहेलर का काम क्या है आप वो देखिए। मैंने उनको वो समझाया तो फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा कम किया। और अगली बार जब आते हैं तो भी इन्होंने बोला कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, अगेन सेकलेक कंटिन्यू किया गया। फिर दिसंबर का महीना आ गया, फिर भी बच्चा ठीक रहा, कोई इनहेलर नहीं दिया, कोई भी मॉन्टर एलसी वगैरह जो भी इनकी दवाइयां थी वो नहीं दी। और बीच में जनवरी में इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और फिर सेट्रामोनियम 1 and 1 dose दी गई। सेट्रामोनियम फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से इसको सेट्रामोनियम 1 and 1 dose दी गई। और फिर अप्रैल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अप्रैल के बाद बच्चा बिल्कुल 100% ठीक हो गया। और जुलाई में स्टार्ट किया था, अप्रैल तक मेडिसिन चली, तब तक बिल्कुल 100% ठीक। अभी अप्रैल से अक्टूबर आ गया, चेंज ऑफ वेदर भी है, लेकिन बच्चे को कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई वीजिंग हो, कोई उसको खांसी हो, कोई जुकाम हो, कोई एलर्जी हो, बिल्कुल भी नहीं। सो दिस इज द केस ऑफ सेट्रामोनियम।
बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग होम्योपैथी में क्यों नहीं आते, उनको लगता है कि अगर हम होम्योपैथी लेंगे तो हमें एलोपैथी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से मैं देखती हूँ, मेरे देखने का तरीका ये है कि जब तक बच्चे की इमरजेंसी है, बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब तक हम साथ साथ दोनों दवाइयाँ दे सकते हैं। ये नहीं कि रोज़ रोज़ देते ही रहो, एंटीबायोटिक भी देते रहो, स्टीरॉइड्स भी देते रहो, ऐसे नहीं। लेकिन जब जब भी कंडीशन आती है तो हम वो अंग्रेजी दवाइयाँ उनको बोल सकते हैं कि आप ले सकते हो, जैसे ही फ़र्क पड़ा वैसे ही वो बंद कर दीजिए और अपनी इंक्रीज डोज होम्योपैथी की उसको दीजिए बच्चे को। इस तरह से मैंने बहुत सारे केसेस ठीक किए हैं। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।